तो चलिए दोस्तों आज बनाते हैं हम आम की गुड़म्मा, जिसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पहले से छील लेंगे, फिर कट कर लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में घी ले लेंगे और घी गर्म होने के बाद आम को इसमें फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब कर देंगे। अब आम जैसे ही फ्राई हो जाएगा उसे निकाल देंगे। उसके बाद इस कढ़ाई में हम गुड़ डाल देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई को धो भी सकते हैं, नहीं तो इसी में भी डाल सकते हैं। गुड़ डालने के बाद थोड़ी सी पानी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। तो देखिए जब इतना गुड़ पक जाएगा उसके बाद आम डाल देंगे और पूरा पकने देंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और बस बनके तैयार है आम की गुड़म्मा। वाओ, इसे आप पूरी रोटी चाय फिर आप इसी तरह से भी खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना देखने में अच्छा लग रहा है। तो लीजिए दोस्तों बनके तैयार है गुड़म्मा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।